आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ साथ यहां पर इस साल 6 राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन राजस्थान की बात इसलिए की जाती है क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे बड़ा आंतरिक कलह देखा जा रहा है, जहां देखा जा रहा है कि सचिन पायलट वर्सेज गहलोत की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं देखा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल की पार्टी जो है राजस्थान प्रवेश कर रही है। हर बार देखा गया कि केजरीवाल का मकसद जीतना नहीं होता है, केजरीवाल का मकसद होता है कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना, यानी कि हर तरह से कांग्रेस पार्टी में सेंधमारी करना। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राजस्थान की आंतरिक कलह खत्म नहीं हुई या फिर कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने यह घोषित नहीं किया कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा कांग्रेस की तरफ से, तो ये वक्त तय कर देगा कि अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खेला कर देंगे। क्यों? क्योंकि लगातार रैलियों में एक ही बात होटेगी कि ऐसी पार्टी को वोट क्यों दे रहे हैं जो लगातार ये चीज तय नहीं कर पा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, आंतरिक कलह को दूर नहीं कर पा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों केजरीवाल की एंट्री से यहां पर कांग्रेस को डर है। देखिए एक बड़ी खबर सामने, उस पर पहले चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस की सियासत में एक बार फिर अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट का जो अदावत हवा चल रही है, वो हवा फिर से जो है लगातार चलने लगी है। सचिन पायलट ने इस बार नागौर दौरे पर कैबिनेट मंत्री हेमा राम चौधरी के कंधे पर बंदूक रखकर फायरिंग की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिए बिना मंत्री ने बड़ी बात कही है। जी हाँ, बड़ी बात कही है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों जिस तरीके से सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी कटघरे में रख रही है, सचिन पायलट को आगे क्यों नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले राहुल गांधी कांग्रेस चेहरे की बात करते हैं, युवा चेहरे की बात करते हैं, युवाओं को कांग्रेस आगे रखती है, इस तरीके का बयान देते हैं। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि यहां राजस्थान में हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो के नारे लग रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है सचिन पायलट को बहुत दूर रखा जा रहा है सीएम पद से। लेकिन दर्शकों, आप बताइए जिस तरीके की खबर सामने है, क्या लगता है, क्या सच में यहां पर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में खत्म हो जाएगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से तैयार है राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि इस बार जो है मुख्यमंत्री किसका होगा, बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का या फिर राजस्थान कांग्रेस का। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।